और दूसरी बात, आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो यूट्यूब पे मैंने पोल डाला था और सिटीज को भी मेंशन किया था, लेकिन सबसे ज्यादा जिसको वोट मिले वो है बैंगलोर। तो आज हम इस पे अपनी वीडियो बनाएंगे। आई होप सबको बहुत मजा आने वाला है। तो मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ बैंगलोर पे अपना रिएक्शन देने के लिए, क्योंकि मैंने इससे पहले नहीं देखा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एक तो इंडिया में जो बिल्डिंग्स होती है लाइक अमाल बहुत अच्छी होती है। दोस्तों ये है बेंगलुरु, जो कर्नाटक राज्य की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, तथा बेंगलोर भारत का एकमात्र ऐसा शहर भी है जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और देश का आईटी हब कहा जाता है। वर्तमान समय में ये शहर काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जहाँ पर TCS, विप्रो, गूगल और IBM जैसी दुनिया की कई जानी मानी कंपनियाँ मौजूद है। वही क्या आपको पता है की बेंगलोर को इंडिया स्टार्टअप हब भी माना जाता है, जहां से सालाना हजारों नए स्टार्टअप निकलते हैं। बेंगलोर को वर्तमान समय में बेंगलुरु के नाम से भी जाना जाता है, जो दक्षिण कर्नाटका में लगभग 741 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल एरिया पर फैला हुआ है। साल 2011 में किए गए जनगणना के अनुसार बेंगलोर शहर की कुल आबादी 95 लाख लोगों की है, जिसमें से 60% जनसंख्या तो सिर्फ प्रवासियों की है। जी हाँ, भारत के अन्य राज्यों जैसे तमिलनाडु, बिहार और यूपी के लोग भी बेंगलोर में बसे हुए हैं, जो कि इस शहर की इकोनॉमी में अहम योगदान देते हैं। भीड़भाड़ वाले मॉल, लोगों से खचाखच भरी सड़कें और गगनचुंबीय इमारतें, कुछ ऐसा नजारा आपको देखने को मिलेगा आज के बेंगलोर शहर में। लेकिन इसके विपरीत बेंगलोर अपने हरियाली के लिए भी खासा प्रसिद्ध है। इस शहर को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया और अपने सुहाने मौसम के कारण भी जाना जाता है। किसी और शहर के मुकाबले आज बेंगलोर में 280 के आसपास छोटी बड़ी झीलें और टैंक मौजूद हैं। बेंगलोर आज दुनिया के सबसे तेज गति से उभरते नगरों में गिना जाता है, जिस वजह से यहां का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है। इस शहर में नम्मा मेट्रो जैसी रैपिड रेल परियोजना काफी पहले से ही मौजूद थी, अथवा इस पूरे नगर को मैसूर बेंगलोर वर्ल्ड एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा गया है। और आइए अब जरा बेंगलोर के न्यूमेरिकल डेटा पर नजर डालते हैं। तो शहर की करंट लिटरेसी रेट तकरीबन 87.67% की है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नड़ भाषा बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या भी अधिक है। यदि हम रिलीजियस बेसिस पर देखें तो इस शहर में 79% हिंदू, 14% मुस्लिम, 5.61% क्रिश्चियन और बाकी कुछ अन्य धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ निवास करते हैं। हाल के दिनों में बेंगलोर लगभग 5.6% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। यहाँ की एस्टिमेटेड GDP 125 बिलियन US डॉलर के आसपास है। भारत के अन्य शहरों के मुकाबले बेंगलोर में बियर बार और पबों की सर्वाधिक संख्या है, जिस वजह से इस शहर की नाइट लाइफ काफी चकाचौंध भरी होती है। यहाँ के क्लबों में देर रात तक नाच गाना और मौज मस्ती चलती है। यदि हम यहाँ के यातायात सुविधाओं पर नजर डालें तो ये शहर देश के अन्य हिस्सों से सड़क, हवाई मार्ग और रेल मार्ग के द्वारा अच्छी कनेक्टिविटी रखता है। बेंगलुरु का मुख्य रेलवे स्टेशन बेंगलुरु सिटी सेंट्रल स्टेशन है। इसके अलावा यहाँ छोटे बड़े कुल 6 और रेलवे स्टेशन भी हैं। यहाँ से बेंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस और यशवंतपुर हावड़ा सहित देश के दूरस्थ हिस्सों तक कई ट्रेनें चलती हैं। वहीं बेंगलोर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, जो इंडिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। यहाँ आप रोजाना कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ले सकते हैं। और आइए दोस्तों, अब आखिर में जान लेते हैं इस शहर के सुनहरे इतिहास और यहाँ के कुछ फेमस प्लेसेस के बारे में। तो ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि बेंगलोर का इतिहास लगभग 890 ईस्वी पूर्व का है। उस वक्त इसे कल्याणपुरी या कल्याण नगर कहा जाता था। ये पूरा क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। वहीं बाद में बेंगलोर शहर पर मुगलों और ब्रिटिशर्स ने भी सदियों तक शासन किया। यदि आप बेंगलोर घूमने का प्लान बनाते हैं तो आप यहाँ पर कब्बन पार्क, यूबी सिटी मॉल, विधान सौध,
लाल बाग बोटैनिकल गार्डन, बेंगलुरु पैलेस और यहाँ के एमजी रोड की सैर कर सकते हैं। एमजी रोड तो वीडियो हो चुकी है हमारी खत्म। वीडियो देखकर बहुत मजा आया और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें थी जो हमें जानने को मिली और ये सिटी बहुत ज्यादा प्यारा है, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और जैसे इस वीडियो में बताया है कि इस सिटी को इंडिया का स्टार्टअप हब भी बोला जाता है, क्योंकि इतनी स्टार्टअप है जो इसी सिटी से स्टार्ट होते हैं और बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे ये सिटी। और सबसे बड़ी बात इस सिटी में जैसे वीडियो जो लिख थी, लाइक पूरी जो वीडियो बनाई थी उसमें जितना उन्होंने दिखाया वो झील और दरख्त ही दरख्त काफी ग्रीनरी थी जो उन्होंने खुद भी लगाई, कुछ नेचुरल भी थी। और इसीलिए इसको गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा ग्रीनरी, झील वगैरह हर चीज़ और इतनी ज़्यादा खूबसूरत व्यू था। मैंने वीडियो में देखा, इतना अच्छा लग रहा था झील और ग्रीनरी, क्योंकि जिस शहर में ग्रीनरी हो तो वो मतलब उसकी क्या खूबसूरती वो लाइक वही पॉइंट बन जाता है जिसकी वजह से वो सिटी इतना ज़्यादा प्यारा लगता है। और मैंने रोड्स भी देखी वहाँ पे, मेट्रो भी थी, ट्रेन वगैरह हर चीज़ वहाँ पे थी जो सबसे ज़्यादा अच्छा था। और दूसरी बात इस वीडियो में जैसे लोगों ने बताया कि इस सिटी में बहुत ज़्यादा मज़हब के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी, क्रिश्चियन भी और कुछ और मज़हब के लोग भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादा इस सिटी में तमिल और इंडियन जो हिंदी जबान है वो ही बोली जाती है, और लैंग्वेजेस भी हैं लेकिन ज़्यादा तमिल और हिंदी ही बोली जाती है। जैसे इस वीडियो में बताया उन लोगों ने इस सिटी में ज़्यादा बाहर से लोग आए रहते हैं, दूसरी सिटी से आए लोग रहते हैं, क्योंकि इस सिटी में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, TCS इस तरह की कंपनीज हैं जो इस सिटी में हैं, उनकी कंपनीज और आम भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और दूसरी बात ये मैंने इस वीडियो में देखा जो बिल्डिंग्स थी हमेशा मुझे वो ही इंस्पायर करती हैं, जब भी मैं इंडियन वीडियो देखती हूँ जब सिटीज़ में हो तो जब भी मैं बिल्डिंग्स देखती हूँ उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसका जो डिज़ाइन होता है मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। हमेशा मैं बोलती रहती हूँ हाँ इसकी रोड्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, सिटी की इन जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डिज़ाइन इतना ज़्यादा अच्छा होता है, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, हमेशा मैं हर वीडियो में यही बोल रही होती हूँ। और दूसरी बात ये मुझे सिटी मैंने पूरा देखा बहुत ज़्यादा अच्छा था, और इसकी जो लाइट वो जो वीडियो में दिखाया था रात का जो व्यू दिखाया था नाइट व्यू इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उस वीडियो में बताया था जैसे कि यहाँ पे लविंग होती है, पार्टीज वगैरह रात को लेट नाइट तक चलती रहती हैं, मतलब इस सिटी में हर मतलब जितनी डेवलपमेंट हो रही है और अभी होनी भी है जैसे मैंने वीडियो में बताया, तो मुझे सिटी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हर चीज़ यहाँ पे इन लोगों ने प्रोवाइड की है, जहाँ पे जो जो लोग यहाँ पे इस सिटी में रहते हैं उन लोगों के लिए सब चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। बहुत मज़ा आया मुझे वीडियो देख के, आई होप सो आपको भी मज़ा आया होगा। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, अभी के लिए बाय बाय।